हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। क्लास सेकेंड ईयर का हमने पेपर शुरू कर रखा है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका फर्स्ट चैप्टर की हमें क्लास कवर कर चुके हैं और उसमें हमने टॉपिक किया था फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन द आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। आज हम जो आप टॉपिक करने वाले हैं वो आपके पास है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन द आर्बिट्रेरी फंक्शन, यानी फंक्शन को रिमूव करके आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, चलिए कुछ आर्टिकल्स हैं आपके पास, वो कर लेते हैं। लेट यू एंड वी बी टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड के। यू और वी दो फंक्शन हमने लिए एक्स वाई जेड वेरिएबल्स में, विच आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन एफ ऑफ यू वी इक्वल टू जीरो। फर्स्ट इक्वेशन ले देते हैं। अब हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं कि जेड इज इट्सेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और हमने लिया है यू वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड वेरिएबल में। इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं तब यहाँ पे देखिए कैसे करना है। डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं देन हमारे पास क्या आता है। अब यहाँ पे देखें, फंक्शन एफ इज अ फंक्शन ऑफ, मतलब एफ जो फंक्शन है वो यू और वी का है, और यू और वी किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के, और जेड किसका फंक्शन है, एक्स एंड वाई का। जैसे ही आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करते हो तो पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा सबसे पहले एफ का विद रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, फिर यू का विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यू किस किस के इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है, एक्स वाई एंड जेड। अब यहाँ देखिए तो जेड इज इट्सेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन जब हम यू का डेरिवेटिव करेंगे तो इन तीनों में से वाई एज ए कॉन्स्टेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा, जेड का भी होगा। जेड का क्यों होगा, क्योंकि जेड भी एक्स का फंक्शन है और हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा कर्ल एफ बाय कर्ल यू इंटू, अब यू का डेरिवेटिव करते हैं, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, यू फंक्शन है एक्स वाई एंड जेड का, वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे जीरो हो जाएगा, प्लस कर्ल यू बाय कर्ल जेड, और जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कर्ल जेड बाय प्लस, क्योंकि एफ फंक्शन वी का भी है और वी फंक्शन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कर्ल एफ बाय कर्ल वी, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, प्लस वी का डेरिवेटिव क्योंकि वी भी जेड का फंक्शन, यहाँ पे जेड भी यहाँ पे बन रहा है, जेड इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ वी, तो कर्ल वी बाय कर्ल जेड और कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसमें कुछ टर्म्स थी, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स को यहाँ पे हम लेके चलेंगे स्मॉल पी, एंड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई को लेके चलेंगे स्मॉल क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यूज, कर्ल एफ बाय कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल यू बाय कर्ल जेड इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स के प्लेस पे मैंने पुट कर दिया यहाँ पे पी इक्वल टू, इस पोर्शन को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, माइनस का हो जाएगा कर्ल एफ बाय कर्ल वी, कर्ल वी बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाय कर्ल जेड और कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इज अ पी, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकंड। सेम टू सेम डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं तो कर्ल एफ एफ फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू यू, बिकॉज एफ इज अ फंक्शन ऑफ यू एंड वी, एंड यू कर्ल यू बाय कर्ल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे, एंड
कर्ल यू बाय, क्योंकि यू जेड भी आ रहा है इसके अंदर, फंक्शन है जेड का भी, तो कर्ल यू बाय कर्ल जेड और जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कर्ल एफ बाय फिर हम विद रिस्पेक्ट टू वी करके चलेंगे, क्यों, क्योंकि वी भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है और जेड ऑल्सो एक्स वाई का, तो इसमें भी वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ल वी बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल वी बाय कर्ल जेड इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इक्वल टू ज़ीरो। कर्ल जेड बाय कर्ल वाई को हम स्मॉल क्यू पुट करते हैं, यहाँ पे रख देंगे वैल्यू दिस एंड दिस, कर्ल एफ बाय कर्ल यू, कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल यू बाय कर्ल जेड इंटू क्यू इक्वल टू, इसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, इसको भी कर्ल एफ बाय कर्ल वी, कर्ल वी बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल वी बाय कर्ल जेड इंटू क्यू, दिस दिस इज द थर्ड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन को रिमूव करना है, यहाँ से एलिमिनेट करना है, तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करती हूँ देन ये फंक्शन इससे कैंसिल हो जाएगा और कर्ल एफ बाय कर्ल वी इज ऑल्सो कैंसिल, तो यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसलिए हम इन फैक्टर्स को और माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं देन कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल यू बाय कर्ल जेड इंटू पी डिवाइड बाय, हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल यू बाय कर्ल जेड इंटू क्यू, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ये फैक्टर तो कैंसिल हो गया हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल, ये बचेगा यहाँ से कर्ल वी बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाय कर्ल जेड इंटू पी डिवाइड बाय कर्ल वी बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल वी बाय कर्ल जेड इंटू क्यू, ठीक है। नाउ वी सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल यू बाय कर्ल जेड इंटू पी मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर कर्ल वी बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल वी बाय कर्ल जेड इंटू क्यू, दिस इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन कर्ल यू बाय कर्ल वाई कर्ल यू बाय कर्ल जेड इंटू क्यू और सेकेंड फैक्टर इज कर्ल वी बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी बाय कर्ल जेड इंटू पी, ठीक है। तो ये हम इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई ओपन करेंगे, स्मॉल पी की टर्म्स स्मॉल क्यू की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, मीन्स यहाँ से मल्टीप्लाई करके पी वाली टर्म को इकट्ठा करेंगे प्लस क्यू वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे एंड जो कांस्टेंट मीन्स जिसमें पी और क्यू नहीं आ रहे हैं उस टर्म को इकट्ठा कर लेंगे हम, ठीक है। दिस इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई ओपन करके पी की टर्म्स क्यू की टर्म्स एंड कॉन्स्टेंट्स, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसको कंपेयर करोगे कैपिटल पी इंटू स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल आर, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करते हैं तो कैपिटल पी की वैल्यू आ जाती है कर्ल यू बाय कर्ल वाई इंटू कर्ल वी बाय कर्ल जेड माइनस कर्ल यू बाय कर्ल जेड इंटू कर्ल वी बाय कर्ल वाई, जो पी का मल्टीपल है, यानी कंप्लीट दिस वैल्यू इज कैपिटल वैल्यू ऑफ पी, सॉरी वैल्यू ऑफ कैपिटल पी, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, जैकोबियन में लिखते हैं, ये टर्म होती है जैकोबियन, कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वाई, देखिए यहाँ पे यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे वाई जेड आएगा, वाई जेड, वाई और जेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल चल रहे हैं, इनको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा, यू एंड वी। ऐसे ही आप क्यू को लेके चलोगे, कंपेयर करते हैं यहाँ से क्यू को, तो कर्ल यू बाय कर्ल जेड इंटू कर्ल वी बाय कर्ल एक्स माइनस कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इंटू कर्ल वी बाय कर्ल जेड, दिस इज इक्वल टू कर्ल ऑफ यू वी
डिपेंडेंट वेरिएबल यू भी है और किसके विद रिस्पेक्ट हो रहा है यहाँ पे, कर्ल ऑफ साइक्लिक ऑर्डर में रखना वाई जेड जेड एक्स, यहाँ पे जेड एक्स आ जाएगा। सेम टू सेम हम आर की वैल्यू निकालते हैं, राइट हैंड साइड पे है आर हमारा, दिस टर्म इज वैल्यू ऑफ आर, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इंटू कर्ल वी बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल यू बाय कर्ल वाई इंटू कर्ल वी बाय कर्ल एक्स। इस टर्म इसको हम बोलते हैं जैकोबियन, जो ये टर्म हम लिख रहे हैं यहाँ पे कर्ल एक्स वाई, ठीक है। इसको ओपन कैसे करते हैं ये देखिए, अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ स्टार्टिंग में यू विद रिस्पेक्ट टू यू का डेरिवेटिव, यू का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे और जेड करेंगे, तो यू का डेरिवेटिव करेंगे तो कर्ल यू बाय कर्ल वाई और कर्ल यू बाय कर्ल जेड रो में लेना है आपको, फिर कर्ल वी बाय कर्ल वाई एंड कर्ल वी बाय कर्ल जेड। दो वेरिएबल हैं तो 2x2 का डिटर्मिनेंट आएगा, तीन वेरिएबल होते हैं तो 3x3 का डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कैसे करते हो, दिस मल्टीप्लाई माइनस दिस, तो यहाँ से देखोगे तो सेम फैक्टर आएगा, कर्ल यू बाय कर्ल वाई माइनस कर्ल वी सॉरी इंटू कर्ल वी बाय कर्ल जेड माइनस में कर्ल वी बाय कर्ल वाई कर्ल यू बाय कर्ल जेड, ये वैल्यू। तो इसको हम बोलते हैं जैकोबियन और इसको ओपन करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये वैल्यूज ये टर्म्स जो आई है पी क्यू एंड आर, ये आपको याद रख, न्यूमेरिकल करते हैं इसी आर्टिकल के बेस्ड, फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन द फंक्शन एस, इसमें से आपको एफ को एलिमिनेट करना है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ से रिफॉर्म करनी है। तो देखिए यहाँ से कैसे करेंगे, अभी हमने लिया था उसमें एफ ऑफ यू वी, इस तरह से लिया था आर्टिकल में, तो वही रख, लेट यू इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम यू ले लेते हैं, और सेकंड वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सेकंड टर्म को हम वी ले लेते हैं। तो फंक्शन हमारा क्या बना, एफ ऑफ दिस इज यू दिस इज वी इक्वल टू जीरो। नाउ डिफरेंशिएशन करेंगे हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेम टू सेम वैसे स्टेप चल रहे हैं, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमने क्या निकाला था यहाँ से, कर एफ बाई कर्ल यू, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल यू बाय कर्ल जेड इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल एफ बाय कर्ल वी बाय एक्स एंड वी बाय जेड इंटू जेड का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, कैसे, यू दे रखा है आपके पास एक्स वाई जेड का फंक्शन, तो हम निकाल सकते हैं वैल्यू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स की वैल्यू, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं वाई जेड एज ए कॉन्स्टेंट दिस इज वन, कर्ल यू बाय कर्ल वाई वन, कर्ल यू बाय कर्ल जेड इज ऑल्सो वन, सेम टू सेम कर्ल वी बाय कर्ल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स का हो जाएगा टू एक्स बाकी जीरो, कर्ल वी बाय कर्ल वाई टू वाई एंड यहाँ लिख लेते हैं कर्ल वी वाई कर्ल जेड इज माइनस टू जेड, ठीक है। तो हमने इनका डेरिवेटिव्स पहले निकाल लेते हैं, टर्म्स यहाँ पे यूज होंगी हमारी, तो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स की वैल्यू वन, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, कर्ल एफ बाय कर्ल यू इंटू वन प्लस कर्ल यू बाय कर्ल जेड दिस इज ऑल्सो वन, और कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स को हमें हमने क्या लेना है, कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स होता है स्मॉल पी और कर्ल जेड बाय कर्ल वाई होता है स्मॉल क्यू, ये टर्म्स आपको बिल्कुल एज इट इज याद रखनी है, दिस इज वन एंड इसकी वैल्यू वन और ये हो गया पी, तो वन प्लस पी आ गया ऐसे, इसको राइट साइड पे ले जाइए इक्वल टू जीरो था ये, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा कर्ल एफ बाय कर्ल वी बाय कर्ल एक्स दिस इज टू एक्स एंड कर्ल वी बाय कर्ल वी बाय कर्ल जेड माइनस टू जेड माइनस टू जेड और कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स क्या होता है पी होता है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ गई सेकंड, सेम टू सेम विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे हम, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई देन इसका कर रहे हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियली, कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल वाई यू बाय कर्ल जेड बिकॉज जेड इज अ फंक्शन ऑफ ऑल्सो वाई,
जेड बाई कर्ल वाई, जेड वाई का भी फंक्शन है तो यहाँ पे जेड का भी डेरिवेटिव होगा, प्लस कर्ल एफ बाई कर्ल वी, एफ यू और वी दोनों का फंक्शन है, वी का फिर से विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे एंड वी का विद रिस्पेक्ट टू जेड भी करेंगे, और जेड का क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इक्वल टू जीरो। फिर से वैल्यूज पुट करते हैं, कर्ल एफ बाई कर्ल यू इंटू कर्ल यू बाई कर्ल वाई वन, यहाँ से कर्ल यू बाई कर्ल वन इज अ वन, प्लस कर्ल यू बाई कर्ल जेड इज ऑल्सो वन, और कर्ल जेड बाई कर्ल वाई को हम लेते हैं क्यू, तो वन इंटू क्यू इज क्यू। इसको राइट हैंड साइड पे ले जाइए, माइनस कर्ल एफ बाई कर्ल वी बाई कर्ल वाई, दिस इज टू वाई, टू वाई, कर्ल वी बाय कर्ल जेड दिस इज माइनस टू जेड इंटू क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगी थर्ड। नेक्स्ट अब हमने किया था सेकेंड इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड किया था, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये फैक्टर फिर से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, डिवाइडिंग सेकेंड बाय थर्ड वी गेट, ये बचा हमारे पास वन प्लस पी, डिवाइड कर रहे हैं इस फैक्टर से, डिवाइड बाय वन प्लस क्यू, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे टू कॉमन ले लीजिए, एक्स माइनस जेड इंटू पी डिवाइड बाय टू इंटू, और ये कैंसिल हो ही चुके हैं, टू कॉमन ले लिया हमने, वाई माइनस जेड इंटू क्यू। ठीक है, टू से टू कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई माइनस जेड क्यू। ठीक है, और पी से करेंगे तो प्लस वाई इंटू पी माइनस जेड इंटू पी इंटू क्यू इक्वल टू वन प्लस क्यू से करते हैं, एक्स प्लस एक्स क्यू। ठीक है, एंड जेड से करेंगे तो माइनस का है, माइनस जेड पी माइनस, अच्छा ये आ चुका है, ठीक है, जेड पी के इक्वल है दोनों के बीच में, यहाँ लगा लेते हैं इक्वल, ध्यान से देखना है यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पे जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी, सेम टर्म्स जेड पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इस टर्म को आप इधर ले आइए तो ये आ जाएगा वाई माइनस जेड क्यू प्लस वाई इंटू पी माइनस एक्स माइनस एक्स क्यू प्लस जेड इंटू पी इक्वल टू ज़ीरो, या तो पी और क्यू की टर्म्स को इकट्ठा कर लीजिए, पी एंड पी, वाई प्लस जेड इंटू पी, क्यू एंड क्यू, माइनस कॉमन ले लेंगे, जेड प्लस एक्स इंटू क्यू एंड वाई माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन द फंक्शन एफ, यानी एफ को हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्टेन अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शंस जेड इक्वल टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन एफ और जी को आपको एलिमिनेट करना है, देर आर टू आर्बिट्रेरी फंक्शंस और इनको आपको एलिमिनेट करना है और ये आपको इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, नाउ दो फंक्शन में तो हम डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर सकते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स इक्वल टू एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश माइनस इंटू ऑफ एक्स माइनस ए वाई, और जब हम इसके एंगल का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स का डेरिवेटिव वन और ए वाई इज अ ज़ीरो, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव में वाई एज ए कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, प्लस जी का डेरिवेटिव जी डैश एक्स प्लस ए वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव वन और ए वाई का ज़ीरो, सेम टू सेम डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन कर्ल जेड वाई कर्ल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स माइनस ए वाई, एंड जब हम एक्स माइनस ए वाई का करते हैं तो एक्स का डेरिवेटिव ज़ीरो और माइनस ए वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो वाई का वन माइनस ए रह जाएगा। ठीक है, प्लस जी डैश एक्स प्लस ए वाई, यहाँ से आ जाएगा एक्स का डेरिवेटिव ज़ीरो और यहाँ से ए का वाई का
वन। अब इन दोनों से देखते हैं कि ना तो कोई डिवाइड करने से या वैल्यूज पुट करने से हमारे पास एफ और जी एलिमिनेट नहीं हो रहे, तो हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स, दिस इज सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए, इसको थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द फर्स्ट। नाउ डिफ्रेंशिएट इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम इसका दोबारा से विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये आता है हमारे पास कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स माइनस ए वाई, और वही सेम टू सेम एक्स का वन ए वाई का जीरो, प्लस जी डबल डैश एक्स प्लस ए वाई, एक्स का डेरिवेटिव वन और ए वाई इज जीरो। सेम टू सेम हम करेंगे डिफ्रेंशिएट थर्ड विद रिस्पेक्ट टू y, थर्ड इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव, देन f डबल डैश x माइनस ए वाई। अब हम माइनस a हमारे पास ऑलरेडी है, और जब इसके एंगल का करते हैं तो माइनस a एक और आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देन g डबल डैश x प्लस ए वाई इंटू ए स्क्वायर, बिकॉज ए हमारे पास ऑलरेडी था, और एक यहाँ से आ जाएगा a, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं माइनस ए स्क्वायर इज अ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, f डबल डैश x माइनस ए वाई प्लस जी डबल डैश x प्लस ए वाई, ये टर्म आ जाती है, और ये टर्म हमारे पास सेम टू सेम यहाँ पे भी है, यानी इसकी वैल्यू है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर एक्स स्क्वायर। तो हम ये वैल्यू उठाते हैं, इक्वेशन फोर ले लीजिए, दिस इज इक्वेशन फाइव, तो फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ ये वैल्यू उठाएंगे, कर्ल स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे आ जाएगा कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, यानी कंप्लीट हमने फोर्थ से इसकी वैल्यू उठाई और यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आगे हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन द फंक्शंस एफ एंड जी, दोनों फंक्शंस को हमने रिमूव कर दिया और ये हमारे पास पीडीएफ। क्वेश्चन फिफ्थ इज फोर्थ क्वेश्चन एज इट इज़ क्वेश्चन, जो मैंने थर्ड करवाया है एज इट इज़ भैया, खुद ट्राई करना इसको। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉर्म ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन द आर्बिट्री फंक्शन फ्रॉम दिस इक्वेशन। यहाँ पे फंक्शन क्या है f, हमने इस इक्वेशन से f फंक्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो वही आपके पास सेम पैटर्न चलेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x, मेन यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप डेरिवेटिव करते हो ना, क्योंकि z यहाँ पे फंक्शन होता है x और y का, ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव करते विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वाई एज ए कॉन्स्टेंट होता है, तो यहाँ पे आप गलती कर सकते हो। तो इसका हम करेंगे कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, एफ का डेरिवेटिव हो जाएगा एफ डैश एंगल इज एज इट इज़, ठीक है। फिर हम इसका करते हैं, अब यहाँ पे देखिए एक्स वाई बाय जेड है, वाई एज ए कॉन्स्टेंट एंड वाई इज ए मल्टीप्लाई बाय दिस, यहाँ पे वाई मल्टीप्लाई हो रखा है, तो वाई को हम पहले ही बाहर ले लेते हैं, ठीक है। वाई हमने यहाँ से, क्योंकि मैं इसका डेरिवेटिव कर रही हूँ, डेरिवेटिव ऑफ कर्ल बाय कर्ल एक्स एक्स वाई अपॉन जेड, ये टर्म है हमारे पास, क्योंकि एफ का तो हो गया एफ डैश, फिर हम एंगल का करेंगे, एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, मीन्स हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, जेड फंक्शन है एक्स और वाई का, इसलिए ये कॉन्स्टेंट नहीं बनेगा यहाँ पे, ओनली वाई कॉन्स्टेंट है, एज्यूम करेंगे हम वाई ट्रीट करेगा एज ए कॉन्स्टेंट, जेड क्यों नहीं, क्योंकि जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, इसलिए डेरिवेटिव करेंगे एक्स बाय जेड का, और वाई क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, एक्स बाय जेड का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, यू बाय वी वाला, ये आ जाएगा जेड स्क्वायर, जेड एज इट इज़ हम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ से, एक्स का हो जाएगा वन माइनस एक्स एज इट इज़, जेड का डेरिवेटिव करते हो तो कर्ल जेड बाय करना है, क्लियर। देन इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख लूँ, एफ डैश एक्स वाई बाय जेड वाई इंटू जेड माइनस एक्स, और कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स को हम क्या लेते हैं, स्मॉल पी पुट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया पी, और डिवाइड बाय जेड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए,
या फर्स्ट इसको ले लो, ये सेकंड हो जाएगा. डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज द सेकंड इक्वेशन. नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई. अभी हम इसको विद रिस्पेक्ट वाई डिफरेंशिएट कर रहे हैं. देन कर्ल जेड बाई कर्ल वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स वाई बाई जेड इन टू. अब यहाँ पे फिर से वही आ गया कि हम एक्स वाई बाई जेड का कर रहे हैं. अभी तक हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया था तो वाई हमारे पास कॉन्स्टेंट था. अब हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स वाई बाई जेड का. तो कॉन्स्टेंट कौन है यहाँ पे? एक्स. तो क्योंकि एक्स मल्टीप्लाई में है इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स इंटू कर्ल बाई कर्ल वाई वाई बाय जेड. तो यहाँ पे इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे और इसका डेरिवेटिव किससे बनेगा? यू बाई वी फॉर्मूले से. तो ये आ जाएगा एक्स, यहाँ पे बाहर कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर ले लेते हैं. दिस इज जेड स्क्वायर, जेड एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वन माइनस वाई एज इट इज जेड का हो जाएगा कर्ल जेड बाय कर्ल वाई. एफ डैश एक्स वाई बाय जेड इन टू एक्स जेड माइनस वाई इन टू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई को हम क्यू पुट करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे हम क्यू डिवाइड बाय जेड स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन थर्ड. अब सेकेंड और थर्ड में से आप कैसे एफ को एलिमिनेट कर सकते हो? डिवाइड कर देंगे क्योंकि सारे टर्म्स मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाएगा. इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. इधर लेफ्ट हैंड साइड पर चल रहा है कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, इधर चल रहा है कर्ल जेड बाय कर्ल वाई. ठीक है, तो डिवाइडिंग सेकेंड बाय थ्री सेकेंड बाय थ्री. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सेकेंड की लेफ्ट हैंड साइड इज कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स और राइट हैंड इसकी थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई. तो लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड से. और जैसे ही आप राइट हैंड साइड पे डिवाइड करते हो सेकेंड थर्ड पे तो एफ डैश कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा वाई इंटू जेड माइनस एक्स पी बाय जेड स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इंटू जेड माइनस वाई क्यू बाय जेड स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेते हैं. जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. एक्स जेड, दिस इज एक्स जेड माइनस एक्स वाई क्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स से. इसको भी आप पी पुट कर लो. ठीक है, एंड ये पी हो गया और इसको रख लेंगे क्यू. दिस इज इक्वल टू वाई जेड माइनस वाई एक्स पी और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय क्यू. कर्ल जेड बाय कर्ल वाई को हमने क्यू रख दिया. ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द फॉर्म. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है एफ को रिमूव करके, तो वही सेम टू सेम चलेंगे हम. डिफरेंशिएट फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए इसको, फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एक्स विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करोगे तो एक बार आपके पास यू इन टू वी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा. तो कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस बी वाई एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश ए एक्स प्लस बी वाई इन टू एंगल का करेंगे तो ए आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो बी वाई ज़ीरो प्लस. अब हम करेंगे ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस बी वाई का, तो ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस बी वाई इज एज इट इज और जब इसकी पावर का करते हैं तो यहाँ से ए और एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज एज इट इज. विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो कर्ल जेड बाय कर्ल वाई ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस बी वाई एफ डैश ए एक्स प्लस बी वाई इन टू विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो इसका ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी प्लस ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस बी वाई, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बिकॉज दिस इज ज़ीरो एंड यहाँ से माइनस बी और एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज एज इट इज. ठीक है, अब इससे देखें तो हमारे पास ए रेज टू पावर ए एक्स माइनस बी वाई तो कॉमन आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे इस इक्वेशन में
इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ए से, यहाँ से बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई, यहाँ से माइनस बी से। तो जो इक्वेशन बन रही है वो, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ बी से तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो ये हमारे पास बनेगा माइनस का, बिकॉज ये माइनस बी है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको माइनस, और बी को भी आप आगे ले लीजिए जब कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज ए, ये हो जाएगा ठीक है। एंड यहाँ पे बी को मैं आगे लिख रही हूँ एंड दिस इज ए इज अ कॉन्स्टेंट। नाउ इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी से, इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करेंगे ए से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए इक्वेशन, इसको मैंने बी से मल्टीप्लाई किया तो बी इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, सब्ट्रैक्ट करना है थर्ड में से, इसको हमने ए से मल्टीप्लाई किया है, माइनस ए इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, दिस इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम राइट हैंड साइड पे सेकंड को बी से, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए बी बी एंड प्लस ए बी, और थर्ड को मल्टीप्लाई किया हमने ए से तो ए यहाँ पे ए बी हो जाएगा, ए बी एंड माइनस ए बी ठीक है। और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा ठीक है। और इसमें से ये माइनस, यहाँ पे देखिए टर्म सेम चल रही है, इससे पूरी से कैंसिल हो जाएगा, और इधर ये टू टाइम हो जाएगा, टू ऑफ ए बी ई रेज टू पावर ए एक्स माइनस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। हमें इस फैक्टर को कैंसिल नहीं करना, बिकॉज हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से z, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम टू ए बी इंटू इस कम्प्लीट की, इस पोर्शन की वैल्यू है z, यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे तो हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको इसको ही रिमूव करना है, तो ये ध्यान रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया b इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हो a इंटू क्यू इक्वल टू ऑफ दिस, दिस इज द रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस इलिमिनेटिंग फंक्शन f। इक्वेशन दे रखी है आपके पास, यहाँ से आपको f और g फंक्शन को इलिमिनेट करना है। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, z का हो जाएगा डेरिवेटिव कर्ल z बाय कर्ल x, दिस इज f डैश एक्स वाई, और एंगल का करोगे तो इनटू में x का विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, y इज अ कॉन्स्टेंट एट x का डेरिवेटिव 1, प्लस g डैश x अपॉन y विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 बाय वाई इज अ कॉन्स्टेंट, 1 हो गया x का डेरिवेटिव ठीक है, y इज अ कॉन्स्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, देन वी गेट कर्ल z बाय कर्ल y इक्वल टू f का हो जाएगा f डैश एक्स वाई एक्स इंटू वाई ही एंड मल्टीप्लाई बाय x विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, y का डेरिवेटिव 1, x इज कॉन्स्टेंट, प्लस g डैश एक्स बाय वाई, दिस इज माइनस 1 बाय माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर, एक्स एज इट इज, और 1 बाय वाई का हो जाएगा माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर ठीक है। इक्वेशन सेकंड, दिस इक्वेशन थर्ड, फिर से करेंगे हम डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू f डबल डैश एक्स वाई, और जब इसके एंगल का करते हैं तो x का 1 वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक y यहाँ पे एक और आ जाएगा, प्लस g डबल डैश एक्स बाय वाई इंटू 1 बाय वाई स्क्वायर, 1 बाय वाई 1 बाय वाई हो जाएगा ठीक है। सेम टू सेम हम करेंगे डिफरेंशिएट थर्ड विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ से करते हैं कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल, ये हो जाएगा f डबल डैश एक्स वाई, एंड विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो एक और x और आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस g डबल डैश एक्स बाय वाई, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी था, और एक और आ जाएगा यहाँ से, मीन्स हमें विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं यहाँ पे ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई होगा, तो g डैश का हो जाएगा g डबल डैश एक्स बाय वाई, ये हमारा एज इट इज़,
और जब हम इसके एंगल का करेंगे तो यहाँ से हमारे पास एक फैक्टर और आ जाएगा, x माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, बिकॉज ये फैक्टर तो एज इट इज चल रहा है, ठीक है। जैसे हमने इसका डेरिवेटिव किया था तो हमारे पास ये आ गया था g अपॉन x बाई वाई का, ठीक है। तो जब हम इसका करेंगे g डबल डैश, और जब एंगल का करेंगे तो माइनस एक्स बाई वाई स्क्वायर, और ये वाला फैक्टर एज इट इज, प्लस g डैश एक्स बाई वाई एज इट इज आ जाएगा। और जब हम इस फैक्टर का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x अपॉन y क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स स्क्वायर से, ये फोर्थ इक्वेशन है हमारे पास, इसको हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं थ्रू आउट, और फिफ्थ को कर लेते हैं वाई स्क्वायर से, एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट, इसको हमने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन को। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको हमने फिफ्थ को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी डैश, दिस इज द प्लस, यहाँ पे हमने इसको वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है। तो ये टर्म आ जाएगी इनटू वाई स्क्वायर, ओके। अब हम इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस एंड दिस इज ऑल्सो माइनस, तो ये फैक्टर तो कंप्लीट कैंसिल। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले g डबल डैश x बाई वाई, ये तो एज इट इज रहेगा, इनकी मल्टीप्लाई ओपन कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x स्क्वायर अपॉन y की पावर 4, और मल्टीप्लाई किया है वाई स्क्वायर से, तो दो पावर कैंसिल, ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, समझ गए। तो इसको जब हम कंप्लीट इन पोर्शंस को सॉल्व करते हैं, ये और ये, तो इसकी वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। अब देखिए, ये फैक्टर और ये फैक्टर बिल्कुल एज इट इज हो जाता है, दिस दिस एंड g डबल डैश, ये माइनस ये प्लस, दिस इज ऑल्सो कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा g डैश x बाई वाई, टू एक्स अपॉन वाई, ये आ जाएगा यहाँ से g डैश, चलो यहाँ लिख लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड पे तो बना कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर, माइनस y स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल y स्क्वायर इक्वल टू, दो फैक्टर कैंसिल हो चुके हैं, माइनस ऑफ g डैश एक्स बाई वाई इंटू वाई स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, एक वाई बच जाएगा, टू एक्स बाई वाई, सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिए जी डैश, क्योंकि हमारे पास अभी भी जी यहाँ पे रहता है फंक्शन, तो हमें जी डैश को एलिमिनेट करना है, तो इसको हम कहाँ से करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से, कैसे, हम दोनों से जी डैश की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये वैल्यू कैसे आएगी, जब मैं एफ डैश को एलिमिनेट कर दूंगी, और एफ डैश एलिमिनेट कैसे होगा, यहाँ पे वाई है यहाँ पे एक्स है, तो इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, एक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है, और थर्ड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं वाई से, y एंड मल्टीप्लाई बाय y, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, देन यहाँ पे हम क्या करेंगे इनको, क्योंकि मुझे ये कैंसिल करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से यहाँ कर देती हूँ मैं, मल्टीप्लाई सेकेंड बाय x एंड थर्ड इक्वेशन बाय y एंड सब्ट्रैक्ट देम, सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगी कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड, माइनस वाई इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, दिस इज वाई इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वाई, राइट हैंड साइड पे जैसे ही आप इसको माइनस करते हो, दिस इज माइनस माइनस, ये फैक्टर इससे कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा जी डैश एक्स बाय वाई इंटू एक्स बाय वाई, और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस और माइनस, एक तो ये माइनस आ गया जो हमने सब्ट्रैक्ट किया, माइनस एंड माइनस इज अ प्लस, और दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं तो टू टाइम जी डैश एक्स बाय वाई इंटू एक्स वाई, ये वाई से वाई कैंसिल, एक्स बाय वाई सेम फैक्टर है यहाँ पे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, समझ गए, ये अलग से फैक्टर है, ये जी डैश का एंगल होगा, तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, जी डैश ये हो ही गया, यहाँ से इसकी वैल्यू कंप्लीट आएगी, दिस इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो जी डैश एक्स बाय वाई इंटू टू को यहाँ ले जाइए, टू एक्स बाय y, अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है आपके पास, इसको ले लेते हैं इक्वेशन सेवेंथ, तो इसे पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेवेंथ एक्स स्क्वायर कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू रख दी मैंने वहाँ से उठा के, दिस इज अ माइनस, माइनस का है ये फैक्टर हमारा, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे,
एक्स कर्ल जेड वाई कर्ल एक्स प्लस वाई कर्ल जेड वाई कर्ल वाई. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलिमिनेटिंग द फंक्शन एफ एंड जी. पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर फर्स्ट इज अ कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब तक इसको ट्राई कीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.